हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, T20 का टाइम चल रहा है, IPL का सीजन धमाकेदार तरीके से चल रहा है और इस T20 के बैटल में हमारी RCB शामिल हो चुकी है और दो भाइयों के बीच चल रहा है T20 का वार। कंफ्यूज मत होइए, जिस T20 की यानी कि 20 के जादू की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये AFON यानी कि अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज, जो सीरीज आई थी 20 रुपये में 20 पेज के नाम से। वो अलग बात है, मुझे 30 रुपये की मिली थी, तो 20 रुपये में 20 पेजेस वाली जो ये सीरीज आई थी जिसमें नागराज के जो अमेजिंग फ्रेंड्स हैं जैसे कि अमर योद्धा कालदूत हो, पंचनाग हो, या उसके साथ साथ विसर्पी या फिर सौडांगी, तो इन सभी के ऊपर ये कॉमिक्स आई थी पूरी तरीके से पब्लिश। अपने समय में ये नहीं हो पाए थे, लेकिन अब संजय गुप्ता जी ने अनाउंस किया था कि आपके सामने संपूर्ण एफोन को वो एक बार में लेकर आएंगे, जिसको वो एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन के फॉर्म में और उसके साथ साथ ट्रेड पेपरबैक फॉर्म में यानी कि डाइजेस्ट के फॉर्म में हमारे पास लेकर आएंगे। हम सब लोग एक्साइटेड थे ये जानते हुए भी कि इसका आर्ट वर्क बहुत ज्यादा से भी खराब है, लेकिन क्योंकि कहानी अच्छी है और थोड़ा सा रिलेटेड है नागराज से, नागराज के उस जो सीक्वेंस, जो फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ रिलेटेड है, तो हमने लेने की ठान ली थी। लेकिन इसमें पेच आया तब जब मनीष गुप्ता जी जाग गए और उन्होंने कर दिया अनाउंस कि कोई कितनी भी महंगी लाता रहे, मैं तो लाऊंगा सस्ती कॉमिक्स और मैं दूंगा आपको 100 रुपये में 80 पेज। और इसी के साथ मच गया धमाका। कुछ ने सोचा कि भाई ये चल रहा है मजाक जो पिछले एक साल से चल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने किया यकीन। यकीन ना करते हुए भी तब भी लोग करते रहे इंतजार, और मनीष गुप्ता जी ने फाइनली ला दिए अपने सस्ती कॉमिक्स जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था, यानी कि राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता के ये जो पहले कॉमिक्स हैं जो पब्लिश करके हम लोगों के सामने आए हैं बिग साइज में। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनका प्राइस और इनकी पेपर की क्वांटिटी। तो इस वीडियो में हम लोग सभी मुद्दों पे बात करेंगे, इसके साइज कंपैरिजन को लेके, इसके प्राइसिंग को लेके, इसके पेपर क्वालिटी को लेके, सब कुछ। लेकिन उसके पहले आप कर दीजिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। तो अब करते हैं शुरू। दोस्तों, ये दो डाइजेस्ट हमारे पास आए हैं जिसमें एक है दुर्दम्य सेना पंचनाग, जिसमें 4 कॉमिक्स हैं और पेज नंबर्स की मैं बात करूं तो 80 पेज इसमें हैं, और दूसरा डाइजेस्ट है हमारे पास अमर योद्धा कालदूत जिसके अंदर है 5 कॉमिक्स और जिसमें पेज की संख्या है, कहानी के पेज की संख्या है 100, और उसके अलावा 6 पेजेस के इसमें कवर पेजेस और एड्स हमको दिए गए हैं, यानी कि लगभग 112 पेज। इस 112 पेज की कॉमिक्स के लिए दोस्तों आज के टाइम में बिलीव करना मुश्किल है कि मैंने 120 रुपये दिए हैं। मात्र 120 रुपये में ये कॉमिक्स मेरे पास आ गई है, और दूसरी ये 80 पेज की डाइजेस्ट बिग साइज में मेरे पास 100 रुपये में आ चुकी है। तो जो हम लोग यकीन से परे मानते थे कि भाई सस्ती कॉमिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो हमारे सामने आ चुकी है। फ्यूचर में कितने लंबे समय तक ये चीज चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन दोनों कॉमिक्स की मैं बात करूं तो ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की कॉमिक्स होते हुए अमेजिंग डील है दोस्तों। 220 रुपये में आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। इसके अलावा डोगा की डाइजेस्ट भी अभी प्री बुकिंग पे है, उसको लेके अपडेट भी अभी आना बाकी है। तो क्या ये सस्ती कॉमिक्स जो है, क्या रस्ते का माल सस्ते वाला है या फिर सस्ता और सबसे बेहतर बांगड़ सीमेंट जैसा माल हमारे सामने आया है, इसको ओपन करके देखते हैं। पहले ओपन करते हैं 80 पेज वाली 100 रुपए की कॉमिक्स को। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो जो ओरिजिनल कवर था, एक बार मैं आपको ओरिजिनल कवर भी इसका साथ साथ दिखा देता हूं। तो ओरिजिनल कवर बिल्कुल एज इट इज लिया गया है दोस्तों, और ओरिजिनल कवर के बाद जब इसको ओपन करते हैं तो ओरिजिनलिटी पूरी तरीके से मेंटेन की गई है, कोई चीजें चेंज नहीं की गई, बस ये नागराज वाला फेस हटा दिया है क्योंकि यहां पर डाइजेस्ट की डिटेल्स आनी थी। उसके अलावा 20 का जादू भी यहां पे रखा गया है। इसको ओपन करते हैं तो अंदर से आपको बिल्कुल सेम टू सेम ये देखने को मिलेगा। अब इसको करते हैं साइड, देखते हैं ओरिजिनल को। तो पेपर क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमको देखना है, तो पेपर का GSM दोस्तों ठीक ठाक थिक है। प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हैं, चमचमाता हुआ पेपर है, ग्लॉसी नहीं है, मैट पेपर है, बट उसके ऊपर ग्लॉस लेयर है और उसके ऊपर जिस तरीके से प्रिंट किया गया है, इंक काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो प्रिंट क्वालिटी अगर आप बिल्कुल क्लोजली इसको देखें तो आप प्रिंटिंग में, इंकिंग में किसी भी तरीके का फ्लॉ नहीं पाएंगे। आप इसको साइड से देखिए, किसी भी तरीके से देखिए, तो भले इसको पहला एडवर्टीजमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन अपने आप में इस कॉमिक्स में दोस्तों बहुत दम है। तो लास्ट तक आते आते आप पेज नंबर्स भी देखें तो पेज नंबर्स कंटिन्यूअसली चलते हैं, 1 से 20 और 1 से 20 और 1 से 20 और 1 से 20 वाला हिसाब इसमें नहीं है। कहानी को लेकर मैं अभी कोई भी चर्चा नहीं करने वाला, आर्टवर्क को लेकर हम बिल्कुल भी मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि वो तो भैया
जानते हैं सबकी किस तरीके का है, कुछ कुछ इस तरीके का है, तो आर्टवर्क वाला मैटर नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं क्या सस्ती कॉमिक्स वाकई में सस्ती है। इसमें एक चीज जो मुझे नहीं दिखी, वो नहीं दिखे तो इसके ओरिजिनल कवर्स, जो कवर यहां दिया गया है, उसके अलावा जो बाकी तीन कॉमिक्स थी उनके कवर्स ये लास्ट में लगाना भूल गए हैं या मिस किया है, वो तो मनीष गुप्ता ही जाने। लेकिन ये कॉमिक्स पूरी तरीके से हमको एक अच्छी क्वालिटी में, अच्छे प्रिंट के साथ, अच्छे पेपर पे दे दी गई है। दूसरी कॉमिक्स की बात करें, अमर योद्धा कालदूत, 112 पेजेस इसमें टोटल हैं, जिसके साथ साथ 100 पेज की कहानी है। इसका प्रिंट आप देखिए क्लोजली, जितना क्लोज में आप इसको देख सकें, तो प्रिंट बहुत अच्छा है, कवर क्वालिटी अच्छी है, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से यूज की गई है। इसके अलावा एंड में जब हम इसमें आ जाते हैं तो यहां हमको देखने को मिलते हैं सारे कवर। पहला कवर ये दे दिया गया है, दूसरा कवर ये रहा। इसको अगर आप, मैं आपको लाइट में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इंक है वो शाइन कर रही है। ग्लॉस पेपर, आर्ट पेपर ना होते हुए भी उसके ऊपर जो ये पेपर है, जिसके ऊपर लेयरिंग है, वो कितनी अच्छे से की गई है। देखिए लाइट में परम विश्या को भी आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्पॉट यूवी लगा दी गई है परम विश्या पे, बट बात यह है कि जो ये ब्लैक इंक है इसकी शाइन बहुत ज्यादा है। ये एड था जो ओरिजिनल में आया था, परम विश्या के बाद काल सर्प का एड है, तो आप एक एक चीज इसमें अच्छे से देख सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन वाली प्रिंटिंग इसमें मिली है। तो ये तो आर्टवर्क भी अच्छा है, तो ऐसा है कि आप इसको काट के पोस्टर भी चिपका लोगे तो पोस्टर से सस्ते पड़ जाएंगे। और ये युगल सृष्टि का एड है दोस्तों, उसके अलावा जो लास्ट पार्ट है काल सर्प, सॉरी युगल सृष्टि, वो यहां आ जाता है। उसके बाद हमें फैरो का एड देखने को मिलेगा, अम्बरीश का एड देखने मिलेगा, श्राप का एड देखने मिलेगा, और ये डिटेल्स देखने को मिलेंगी। तो क्वालिटी के हिसाब से दोस्तों ये सभी कॉमिक्स पूरी तरीके से खरी उतरती हैं, बाइंडिंग थ्रेड है, और उसके साथ साथ ये प्रॉपर यहां चिपकाई गई है। अब मैं इसको कुछ समय तक पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद अगर ये उखड़ जाती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, नहीं उखड़ती है तो भी आपको बताऊंगा। तो ये है दोस्तों हमारी दोनों कॉमिक्स। जैसा कि मनीष गुप्ता जी ने प्रॉमिस भी किया था कि सभी कॉमिक्स बिग साइज में आएंगी, तो एक बार करके देख लेते हैं अलग अलग कॉमिक्स के साइज में इसका साइज कंपैरिजन। ये है ओरिजिनल वाला पार्ट, तो ओरिजिनल से अगर इसका साइज कंपैरिजन देखें तो ओरिजिनल से ये कुछ इतनी बड़ी है, लगभग 1.25 इंच इधर और लगभग 1 इंच ऊपर से ये इसका साइज है दोस्तों, ओरिजिनल से इतना बड़ा। इसके अलावा मैं अलग अलग साइज की कॉमिक्स हमारे पास हाल फिलहाल में आई है, एक एक करके सबसे मैच करते हैं। ये है दोस्तों जो ओरिजिनल साइज आता है हमारी कॉमिक्स का, तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो इसमें इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबी ज्यादा हुआ करती थी। तो ये साइज आप इधर देखिए, इसके अलावा हमारे पास आई हैं कुछ बिग साइज कॉमिक्स, तो बिग साइज में ये देख लेते हैं सर्पद्वंद के सामने कितनी बड़ी टिकती है। तो ये सर्पद्वंद से चौड़ाई में थोड़ी सी कम है, लेकिन लंबाई में सर्पद्वंद से ज्यादा है। तो ये इसका साइज दोस्तों आप देख सकते हैं। अब मैं उठाता हूं एक इंग्लिश कॉमिक्स जो पहले आई थी ओरिजिनल वाले प्रिंट्स में, तो उससे तो ये और भी ज्यादा बड़ी है। ऐसे ही थोडांगा की मौत वाले पार्ट से भी एक बार देख लेते हैं, तो ये जो ओरिजिनल रीप्रिंट्स आते थे दोस्तों, ये कॉमिक्स के ओरिजिनल साइज से थोड़े से छोटे हुआ करते, तो इनसे भी आप देखिए लगभग इतना इसमें फर्क आ जाता है। ये है ओरिजिनल कलेक्टर एडिशन, इससे भी एक बार आप देख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका, सारी चीजें दिखा रहा हूं, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछोगे। इतना गैप इधर से आता है दोस्तों। अब बात करते हैं नाग प्रलय की, तो नाग प्रलय से ये छोटा है, चौड़ाई भी नाग प्रलय वाले साइज से कम है और लंबाई भी नाग प्रलय वाले साइज से कम है। अब इसके बाद मैं इसको युगनायकम वाले साइज से भी मैच करके दिखा देता हूं, तो इसमें तो काफी ज्यादा फर्क है ही है। और जहां तक मुझे पता है, मुझे लगता है जो हमारा एफोन का स्पेशल कलेक्टर एडिशन संजय गुप्ता जी वाला आएगा, वो लगभग इसी साइज में आएगा। और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, वो ये कि संजय गुप्ता जी ने हमें कहा था जब हम मिले थे पर्सनली, जिसको लेके आप लोगों ने बवाल भी किया था, तो उस समय मुझे और हम सबको बताया था कि इन कॉमिक्स में कुछ कॉमिक्स के 3-4-5 पन्ने जो थे वो ड्रॉ किए हुए नहीं थे। तो संजय गुप्ता जी तो करवा चुके हैं उनको ड्रॉ, लेकिन क्या मनीष गुप्ता जी उसको ड्रॉ करवाएंगे या किस तरीके से लाएंगे, ये बहुत देखने वाली चीज होगी। एक और चीज जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है इसके फ्रंट पेज पे ये वाली चीज, ऑल कैरेक्टर्स ज्वाइंटली क्रिएटेड बाय राजकुमार गुप्ता। यहां पे श्री लगाते बहुत अच्छा होता, श्री राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता एंड मनीष गुप्ता। उसके साथ साथ इन्होंने क्लियर भी कर दिया है, ऑल राज कॉमिक्स आईपीआर ज्वाइंटली ओन्ड बाय संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता एंड मनीष गुप्ता। यानी कि राज कॉमिक्स का जितना भी अभी तक का पब्लिकेशन है, जितना भी अभी तक का माल मसाला है, उसके ऊपर तीनों भाइयों का ज्वाइंट अधिकार है। जो नया काम वो करेंगे वो उनका अपना होगा, लेकिन ये सारा काम जो है इस पे ज्वाइंट अधिकार है। अरे तो ज्वाइंट अधिकार है तो उस ज्वाइंट में हमारे जो ये कुछ ज्वाइंट्स फंसे पड़े हैं, प्लीज इन ज्वाइंट्स को भी पूरा
कर दीजिए और यथारूप में पूरा मत कीजिएगा। जैसे ये यथारूप है प्लीज इस यथारूप में पूरा कीजिए। सारे फैंस की यही डिमांड है, मेरी भी यही डिमांड है। तो इस कॉमिक्स के इस वीडियो में हमने बात की इस सस्ती कॉमिक्स की, उसको सस्ती कॉमिक्स कहना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये तो बांगर सीमेंट से भी बेहतरीन निकली है दोस्तों। लेकिन इनसे हम एक्साइटेड तो हैं, लेकिन अभी हम वेट करेंगे फ्यूचर का और देखेंगे कुछ और समय में कि आने वाली कॉमिक्स किस तरीके से आती जाती हैं, क्या स्पीड रहती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, सारी चीज़ों पे नज़र रहेगी सब कुछ सिंह की। और आपको बने रहना है सब कुछ सिंह के साथ ताकि जो भी कुछ अपडेट आए उसको आप मिस कर ना पाएं। और ढेर सारी कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग बाकी हैं और बहुत सारे पेंडिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो सब पता है आपको क्या करना है। मैं चलता हूँ, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।